जय बजरंगबली की मित्रों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे करने से आप अपने जीवन में हर प्रकार की धन संबंधी समस्या को दूर कर पाएंगे और हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। सुबह उठते ही यहाँ बनाए एक स्वास्तिक, आपके मांगने से पहले ही सभी मनोकामना हो जाएगी पूरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्वास्तिक के उपाय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, धन की देवी लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए स्वास्तिक का निशान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आज मैं आपको इसी उपाय के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अपने सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सनातन धर्म में स्वास्तिक को परम ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। पुराणों में स्वास्तिक को धन की देवी लक्ष्मी तथा बुद्धि के देवता भगवान गणपति का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वा एवं अति। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है स्वास्तिक, जिसका अर्थ है शुभ और कल्याण हो, मंगलमय हो। ज्योतिष में स्वास्तिक के कुछ अलग अलग प्रयोग बताए गए हैं, जिन्हें करने से सभी समस्याएं दूर हो सकती है, चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे वो सौभाग्य की प्राप्ति हो, चाहे वो मनोकामना की पूर्ति हो। और अगर आप समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं और सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। सुबह उठते ही यहाँ बनाए एक स्वास्तिक, आपके मांगने से पहले ही सभी मनोकामना हो जाएगी पूरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वास्तिक का आसान और बहुत ही रोचक और अचूक उपाय बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं आपको एक आसान और खास उपाय बताऊंगा जिससे आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं, हम सभी के घर में पूजा स्थल जरूर होता है, पूजा घर अवश्य ही होगा, घर का मंदिर अवश्य हर किसी के घर में होता है। उसमें आपको यह उपाय करना है, घर के पूजा स्थल में या मंदिर में आपको सिर्फ एक स्वास्तिक बनाना है। वह स्वास्तिक आप चाहें तो कैसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे सिंदूर से बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे चंदन से बना सकते हैं। आप अपने घर में एक स्वास्तिक बनाएं, पूजा घर या पूजा का जो भी आपका स्थान है आप उसे वहाँ पर बनाएं। उसके बाद आपको जिस किसी भी देवता को अपना इष्ट देव मानते हैं या भगवान है, जो भी आपके जिसे आप प्रिय मानते हैं या अपना इष्ट देवता मानते हैं, उसकी प्रतिमा पर इसे रख दें। इसके बाद ही पूजा करें। इससे आपके इष्ट देव आपके ऊपर सदैव ही प्रसन्न रहेंगे और तुरंत प्रसन्न होकर के आपकी सभी मनोकामना को प्रसन्न करेंगे और पूरा करते रहेंगे। उनके मन से आपके मन को प्रसन्नता प्राप्त होगी और आपका मनचाहा आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती रहेगी, चाहे वो धन संबंधी क्यों ना हो। इसके साथ ही सुबह उठते ही यहाँ बनाए एक स्वास्तिक, आपके मांगने से पहले ही सभी मनोकामना हो जाएगी पूरी। आप बहुत ही आसान और खास उपाय है जो आपने अक्सर सुना होगा, उल्टे स्वास्तिक का उपाय, वह आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको बस कुमकुम चंदन लेना होगा। यह आपको कुमकुम चंदन किसी भी पूजा की दुकान से आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप स्वास्तिक को बनाएंगे। अगर आपकी कोई भी मनचाही इच्छा है, मनोकामना है, जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही थी, तो आप इस उपाय को करें, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाने लगेगी, इससे आपके लिए घर में सकारात्मक वातावरण बनने लगेगा और आपके आसपास जहां कहीं भी मंदिर हो तो आप इसे वहां पर बनाकर आइए। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते या फिर आपके नजदीक में कोई मंदिर नहीं है तो आप इसे अपने घर के मंदिर में भी बना सकते हैं, लेकिन उत्तम रहेगा कि आप अपने नजदीक घर के नजदीक किसी भी मंदिर में इस उपाय को करें और हर सोमवार जाकर के उस स्वास्तिक के निशान के नीचे एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं और अपनी मनोकामना बोलते रहें। दोस्तों, आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होने लगेगी, घर में खुशियां आने लगेंगी और साथ ही आपकी हर प्रकार की धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगेंगी। धन इतना आ जाएगा आपके पास कि आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको अपने घर के नजदीक जो भी मंदिर है उसमें जाना है, उसमें जाने के बाद आपको अपने साथ थोड़ी सी कुमकुम लेकर जानी है। कुमकुम लेकर जाने के बाद आपको उस मंदिर में प्रवेश करना है, उस मंदिर में जाकर अपने हाथ जोड़ें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आप मंदिर में कुमकुम से एक उल्टा स्वास्तिक बनाएं। आपको याद रखना है कि जो स्वास्तिक आप बनाएंगे वह स्वास्तिक उल्टा होना चाहिए। सबसे पहले आपको उल्टा स्वास्तिक बनाना है और जब आप उल्टा स्वास्तिक बनाएंगे
तो उसको आपको जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करते रहना है जब आप उसे बनाएंगे, या फिर आप चाहें तो अपने इष्ट देव से भी प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो गई है। यानी कि जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी आपको उसी मंदिर में जाना है और उस मंदिर में जाकर आपको दोबारा से स्वास्तिक बनाना है, लेकिन इस बार आपको उल्टा नहीं सीधा स्वास्तिक बनाना है और उसी स्थान पर बनाना है। अगर आपकी कोई मनोकामना थी जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही थी, उसके लिए यह एक बहुत ही अचूक उपाय है जो कभी भी फेल नहीं होता है। इस उपाय को आप एक बार अवश्य करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। वहाँ पर जाकर आप दोस्तों सीधा स्वास्तिक बनाएं अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद। इसके साथ ही अगर आप बात की जाए हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बारे में, तो अगर आप हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो इससे भी बहुत फायदे हैं। घर के ईशान कोण में या विशाल उत्तरी पूर्व दिशा में आपको दीवार पर हल्दी से अपने घर में स्वास्तिक बनाना है। अगर आप हल्दी से अपने घर में ईशान कोण में या उत्तरी पूर्व दिशा में स्वास्तिक बनाते हैं तो इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। और अगर आपके घर में ग्रह कलेश ज्यादा होते हैं तो हमेशा आपके घर में सुख शांति आती रहेगी। वह घर में कोने कोने में माता लक्ष्मी का वास भी हो जाएगा और घर में होने वाली कलेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और इससे आपके घर को बुरी नजर से भी बचाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो घर के पूजा स्थल पर या मंदिर में स्वास्तिक का निशान आपको बनाने लाना चाहिए। इसके साथ ही उस पर आपको 5 अनाज रख करके उस पर आपको दीपक जलाना है। यह उपाय भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत ही कारगर और अचूक उपाय है, तो आप इसे भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से और कारगर उपाय है दोस्तों ये। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन आपको इस उपाय के लिए ध्यान रखना है कि आपको 5 अनाज के दाने या 5 अनाज की ढेरियां आपको वहां बनानी है। 5 अनाज के दाने रख करके आपको स्वास्तिक के निशान के ऊपर आपको इन ढेरियों को रख देना है। इसके बाद आपको तेल या देसी घी का दीपक जलाना है, लेकिन आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें, यदि आप देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए, या फिर आप तेल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो आपको वह तेल का इस्तेमाल करना है जिसे आप अक्सर खाने में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी नीची क्वालिटी का आप कोई भी सामान इस्तेमाल ना करें। आप उसके बाद आपको तेल या देसी घी का दीपक आपको जला देना है। जैसे आप तेल और घी का दीपक जलाते हैं, आप घी का दीपक जलाना स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगी हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं या बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। हल्दी के स्वास्थ्य के बारे में हम बात करते हैं। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, आप इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको क्या करना है इसके लिए, आपको करने के लिए एक कुमकुम सिंदूर या रंगोली, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए। रंगोली अर्थात जो रोली होती जिससे हम टीका करते हैं हवन पूजा के वक्त पे, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको घर के बाहर रोली से या कुमकुम से या सिंदूर से आपको स्वास्तिक बनाना है। अगर आप घर के बाहर अपने मेन गेट पर स्वास्तिक बनाते हैं, इसे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और देवी देवता प्रसन्न होकर के आपके घर में प्रवेश करते हैं, और आपके घर में बात की जाए तो आपके घर में रहने वाले लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं। इससे आपके घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करती है। अब हम बात करते हैं, अगर आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं और उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आपको गुरुवार के दिन ये उपाय करना चाहिए। गुरुवार के दिन आपको अपने घर का जो ईशान कोण है या उत्तरी पूर्वी कोना है, आपको उस ईशान कोण को उसे जो उत्तरी पूर्वी कोना होता है घर का, उसे ईशान कोण बोला जाता है, उसमें पहले आपको उसे अच्छी तरह से धो लेना है। अच्छे से साफ सफाई करने के बाद आपको वहाँ पर पोंछा लगाकर उसे साफ कर लेना है। उस जगह पर आपको गंगा जल से उसको छिड़काव भी करना है, या फिर आप उस जगह को धोने वाले पानी में भी थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं। जब वह कोना बिल्कुल साफ हो जाए तो उसके बाद आपको उसको सूखने का इंतजार करना है। इसके बाद आपको वहाँ पर एक थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी पिसी हुई होनी चाहिए। हल्दी में थोड़ा आपको पानी मिला लें। इसके बाद उस हल्दी से आपको ईशान कोण में यानी कि उत्तरी पूर्वी दिशा में जो कोना है उसमें स्वास्तिक बनाना है। इसके बाद जब आप वहाँ पर स्वास्तिक का निशान बना लेंगे, इसके बाद इस स्वास्तिक को विधिवत पूजा करनी है। जैसे आप अपने पूजा घर में पूजा करते हैं उसी तरीके से आपको इस स्वास्तिक की भी पूजा करनी है। आप इसे लक्ष्मी और गणेश का प्रतीक मानकर पूजा करें। इसके बाद आपको वहाँ पर थोड़ा सा गुड़ रख देना है।
यानी कि आपको गुड़ का भोग लगाना है। जिस दिन आप इस उपाय को स्टार्ट करेंगे या जिस गुरुवार को आप इसे स्टार्ट करेंगे, गुरुवार से आपको अगले गुरुवार तक यह कार्य करना है। 7 बार करने से आपके व्यापार में फायदा होने लगेगा, यानी कि आपको 7 दिन तक लगातार ये उपाय करते रहना है। अगले गुरुवार तक आपको ये उपाय करते रहना है और व्यापार में जो भी आपकी परेशानी आ रही थी वह भी खत्म हो जाएगी। अगर आपको नींद नहीं आती है, आपके सपने में आपको बुरे सपने दिखाई देते हैं, सपने में डर लगता है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर है। जिस किसी को भी रात में सपने में डर लगता है या नींद नहीं आती है, उसके ये उपाय करना चाहिए। इससे आपके घर में तर्जनी आप अपने घर के मंदिर में तर्जनी उंगली से एक स्वास्तिक बनाना है। तर्जनी उंगली दोस्तों आपकी सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली से, जो 7 वाली उंगली है, उस उंगली को तर्जनी उंगली कहा जाता है। इससे आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपकी मनोकामना पूर्ण करे। यह उपाय करने से आपको तुरंत ही आराम मिलने लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें, और हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।